हेलो चिल्ड्रन, तो आज हमें क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो वेरीज। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। चिल्ड्रन, जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स की जो रिएक्शंस हैं, उसमें जो रिएक्शंस हम जनरली देखते हैं वो कौन सी होती है? एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको जो है हम क्या बोलते हैं? SN रिएक्शन। क्या बोलते हैं? SN रिएक्शन। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन कौन सी हमें यहाँ पे रिएक्शंस पढ़नी है? एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, और थर्ड जो है वो अदर रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शंस विद मेटल्स या अदर सब्सटेंसेस, तो वो थर्ड टाइप की रिएक्शंस हो जाएंगी। गॉट इट चिल्ड्रन? रिएक्शन विद मेटल। तो सबसे पहले हमें बात करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी बात करनी है चिल्ड्रन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है ये हमें देखना है। न्यूक्लियोफिलिक का रिलेशन किससे है? न्यूक्लियस से। तो चिल्ड्रन, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। मींस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अफेक्शन किसकी तरफ होगा? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। फिलिक का मतलब क्या है? यहां पर आपका जो फिलिक है उस फिलिक का मतलब है अफेक्शन। क्या मतलब है? अफेक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जिसका पॉजिटिव चार्ज की तरफ अफेक्शन हो। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा, वो जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अफेक्शन किसकी तरफ होगा चिल्ड्रन? अफेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। किसकी तरफ होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अफेक्शन होगा। अब चिल्ड्रन, जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ उसका अफेक्शन होगा, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि जब कोई न्यूक्लियर नेगेटिवली चार्ज उस पर सीज होगी, तभी उसका जो अफेक्शन होगा, उसका जो अट्रैक्शन होगा, वो किसकी तरफ होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ओके, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Nu से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रन? Nu से। और इस पे चार्ज कैसा होगा? ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो हमारे हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन्स में जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल कोई भी पॉजिटिव सेंटर देखेगा, क्या करेगा? पॉजिटिव सेंटर देखेगा, उस पॉजिटिव सेंटर पर क्या करेगा? अटैक करेगा। क्या करेगा? उस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें जो है पॉजिटिव सेंटर कहाँ है? यस, तो ये हमारा है CH3Br। ठीक है, क्या है? CH3Br। इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें जो है वो पॉजिटिव सेंटर कहाँ है? हमें क्या फाइंड करना है? पॉजिटिव सेंटर। कि जब पॉजिटिव सेंटर हमें पता चलेगा, तभी तो उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यस, ये अगर हम देखें CH3Br, तो इसमें जो हमारा Br है, Br पर कैसा चार्ज है? होता है नेगेटिव चार्ज होता है ना। कैसे भाई? देख लो पहले, ये जो आपका CH3 होगा, ये Br होगा। हमने पढ़ा है कि ये पोलर कंपाउंड होते हैं। यस, डाइपोल फॉर्म करते हैं। तो क्या होता है? ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल देखेगा इसको, किसको देखेगा? इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को। यस, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को देखेगा, वैसे ही क्या करेगा? ये इस पे अटैक करेगा। किस कार्बन पे? जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो हमारा Br- है, ये क्या होगा? लीविंग ग्रुप। क्या होगा चिल्ड्रन? लीविंग ग्रुप। और ये क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन के इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, वैसे ही ये जो Br- है, ये क्या करेगा? लीव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई Br जो है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन हो रही है चिल्ड्रन, वो क्या हो रही है? CH3 है, इसको हम RX कर लें। आपकी एक जनरल रिएक्शन है RX,
प्लस एन यू दैट इज न्यूक्लियोफाइल, जब ये रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा, आर एन यू, ठीक है, प्लस एक्स माइनस, ये आपका लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा और इस तरह से हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी. गॉट इट चिल्ड्रन? तो अब हमें देखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक, वो न्यूक्लियोफाइल किस किस साइट से अटैक कर सकते हैं, कैसे उनका अटैक होता है, आपका कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे कैसे अटैक करते हैं. तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है. तो आगे बढ़ने के पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो चिल्ड्रन. यस चिल्ड्रन, अब हमें क्या देखना है, न्यूक्लियोफाइल्स. तो न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, कौन से, एक तो मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ओके, और सेकेंड वन इज बाइडेंटेट. कौन से, सेकेंड वन इज बाइडेंटेट. अब दोनों का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोडेंटेट एंड बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, ये हमें देखना है. चिल्ड्रन, जो मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होते हैं इनमें एक ही साइट होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ठीक है. जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करते हैं, किसको, कार्बन को. क्यों, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. यस, तो आपके जो मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करते हैं, किसी एक साइट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है, जैसे ओ एच माइनस, ओ आर माइनस, आई माइनस, तो इनमें क्या होता है, एक ही साइट अवेलेबल होता है फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेशन. और जो हमारे बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, बाइडेंटेट जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनमें टू साइट्स अवेलेबल होती हैं. क्या होता है, टू साइट्स अवेलेबल होती हैं फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मींस दो साइट्स पे उनके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो किसी भी साइट से करेंगे एक ही साइट से इलेक्ट्रॉन डोनेट, लेकिन किसी भी साइट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. अगर हम लुईस स्ट्रक्चर देखें CN माइनस का, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. नाइट्रोजन के पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. यस, नाइट्रोजन की जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फाइव. तो थ्री इलेक्ट्रॉन तो इसके बॉन्डिंग में यूज हो गए, बचे किस कितने इसके पास, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो कार्बन है कार्बन के पास फोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से थ्री इस पे यूटिलाइज कर रही है बॉन्डिंग में, और इसके पास वन इलेक्ट्रॉन अभी अवेलेबल है, ठीक है. और ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस नेगेटिव चार्ज किस पे है, एक्चुअली कार्बन पे. इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया. तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की दो साइड्स है. CN माइनस चाहे तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या चाहे तो कार्बन से. तो किसी भी तरह से बॉन्डिंग हो सकती है, किसी भी तरह से अटैक हो सकता है. ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन की साइड से अटैक कर सकता है या नाइट्रोजन की साइड से अटैक कर सकता है. गॉट इट? सेकंड आपका NO2 माइनस का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, दिस वन एंड दिस O माइनस, ठीक. तो अब ये डबल बॉन्डेड जो आपका ऑक्सीजन है वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. नाइट्रोजन के पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक. ये जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, सिक्स. सिक्स से एक इसका यूटिलाइज हुआ बॉन्डिंग में, इसके पास बचे फाइव इलेक्ट्रॉन, वन टू थ्री फोर फाइव, और वन इलेक्ट्रॉन आया इस नेगेटिव चार्ज की वजह से. तो अब इस पे जो बॉन्डिंग हो सकती है, ये ऑक्सीजन की साइड से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन की साइड से भी अटैक कर सकता है. मीन्स बोथ साइड्स आर अवेलेबल फॉर अटैक. Yes, दोनों साइड से ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है. Hence, these types of nucleophile are called bidentate nucleophile. इस तरह के जो nucleophile से उनको क्या कहते हैं, bidentate nucleophile. तो अब हम चलते हैं जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से उनका एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. सपोज करिए ये आपकी RX एक जनरल रिएक्शन है, दिस वन इज हैलो एल्केन, ओके. इस हैलो एल्केन की रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से. जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका कार्बन, यहाँ पे R जो एल्की ग्रुप है उसके पास क्या होगा, कार्बन होगा. यहाँ पे
कोई न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, OH पे माइनस, तो ये OH हमारा क्या होगा? दिस विल बी न्यूक्लियोफाइल. गॉट इट चिल्ड्रन? तो कैसे रिएक्शन होगी? ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस एल्किल ग्रुप के कार्बन पे और ये सोडियम इस हैलोजन से रिएक्शन करेगा. तो प्रोडक्ट क्या होगा? ROH प्लस NaX. ठीक है चिल्ड्रन, गॉट इट? दिस इज द रिएक्शन बिटवीन हैलोजेन्स एंड NaOH. इसी तरह से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, नेक्स्ट वन है, सपोज करिए CH3 CH2Cl प्लस KCN. अगर हम KCN से पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो अगेन यहाँ पर आपका CN माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है. ये CN माइनस न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पे, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा और ये पोटेशियम इस लीविंग ग्रुप से रिएक्ट करेगा. तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? CH3CH2Cl प्लस KCl. गॉट इट चिल्ड्रन? दिस इज द प्रोडक्ट. नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल हम देखें, CH3CH2Cl प्लस AgCl. इन दिस केस CN इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल. इन दिस केस द प्रोडक्ट इज CH3NC प्लस KCl. अब ये कैसे हो गया भाई? यहाँ पे साइनाइड बन रहा है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड. क्यों? ये भी आपका मेटल साइनाइड है, ये भी मेटल साइनाइड है. दिस वन इज पोटेशियम साइनाइड एंड दिस वन इज सिल्वर साइनाइड. तो अगर हम एज अ रिएक्टेंट पोटेशियम साइनाइड यूज करते हैं एज अ रिएजेंट, तो हमारा प्रोडक्ट हो रहा है साइनाइड. ओके? और अगर हम सिल्वर साइनाइड यूज कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट हो रहा है, दैट इज यहाँ पे एक CH2 और होगा, दिस वन. The product is isocyanide. तो ये इतना चेंज क्यों हो गया कि एक केस में तो हमारा प्रोडक्ट साइनाइड बन रहा है और दूसरे केस में जो प्रोडक्ट है that is isocyanide. क्यों इतना चेंज हुआ? ये देखने वाली बात है कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल्स और पोटेशियम का कार्बन के साथ इसने जो बॉन्ड बनाया है दैट इज आयनिक बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बना है? आयनिक बॉन्ड. अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं सकता, ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसे नेगेटिव को और बेयर करेगा? नेगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे. तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है. मीन्स जो अटैक है वो कौन कर रहा है? कार्बन की साइड से अटैक हो रहा है. तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइनाइड. गॉट इट? सेकेंड केस अगर हम सिल्वर साइनाइड का देखें तो यहाँ पे इनके बीच की जो बॉन्डिंग है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. कौन सी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट बॉन्ड. और सिल्वर आपका इतना रिएक्टिव भी नहीं है. अगर हम पोटेशियम और सिल्वर के रिएक्टिविटी की कंपैरिजन करें तो पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू सिल्वर. ठीक. यहाँ पर जो कार्बन है वो कहाँ पे? कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया. इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं सिल्वर के साथ. तो अब इलेक्ट्रॉन कहां पर अवेलेबल है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो किसके पास इलेक्ट्रॉन बचे? नाइट्रोजन के पास. भाई जब कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहां से डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन तो वही डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे. और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल किसके पास है इसमें? नाइट्रोजन के पास. तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज आइसोसाइनाइड. जो अटैक होता है वो नाइट्रोजन की प्लेस तरफ से होता है, नाइट्रोजन की साइड से होता है और आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनता है. चिल्ड्रन दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपका एक्सेप्शन पूछा जाता है, व्हाई व्हेन हैलोजेन्स रिएक्ट्स विद सिल्वर साइनाइड गिव्स आइसोसाइनाइड वेयर एज ऑन रिएक्शन विद KCN पोटेशियम साइनाइड गिव्स साइनाइड. गॉट इट? तो ये डिफरेंस है दोनों में कि जब पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करता है तो आपका साइनाइड फॉर्म करता है और जब सिल्वर साइनाइड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? आइसोसाइनाइड. ओके, दिस इज अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब हमें चिल्ड्रन क्या देखना है? टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये कितने तरह की होती है और कैसे होती है. हमने एक जनरल वे में देख लिया, एक जनरल वे देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है, कैसे न्यूक्लियोफाइल आता है, कैसे अटैक करता है. अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो उसके लिए पहले आप इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चिल्ड्रन, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? SN2 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है? बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है वो उसमें दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स रहेंगे। एंड SN1 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना लंबा ना लिख करके सिर्फ यूनिमॉलिक्यूलर लिख रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गॉट इट चिल्ड्रन? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे SN2 या बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसमें हमारे पास क्या होगा? एक तो हेलो एल्केन होगा, यस RX। RX जो है ये हमारा क्या होता है? सबस्ट्रेट। क्या होता है? सबस्ट्रेट। अब ये जो सबस्ट्रेट है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव। अब चिल्ड्रन, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? जिसके पास क्या होगा? विच हैव काइरल कार्बन, या विच हैज काइरल कार्बन, जिसके पास कब एक काइरल कार्बन होगा। अब काइरल कार्बन का मतलब क्या है? जनरली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुन के ही डर जाते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड सुनते हैं कि पहले ही सोच लेते हैं ये तो अपने बस की नहीं है। यस, बट ऐसा नहीं है चिल्ड्रन, इट इज वेरी इजी। अगर हम छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल क्लियर करके पढ़े, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़े, तो इट इज वेरी इजी, इनको पढ़ना समझना बहुत ही आसान है। यस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे काइरल कार्बन की। चिल्ड्रन, काइरल कार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन की सभी वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी जब हम सेटिस्फाई करते हैं, तो ये दोनों आप जो आपके चारों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, अगर ये चारों ग्रुप्स क्या है? डिफरेंट ग्रुप है। इफ वैलेंसीज ऑफ कार्बन, if all the valencies of carbon are satisfied by four different groups, अगर चारों different groups attached हैं, तो ये हमारा carbon कैसा होगा? Chiral carbon होगा। देखो भाई, हमने इस पे X लगाया, ये Y लगाया, ये Z लगाया, ये P लगा दिया। सभी इसके जो substituents group हैं, वो क्या है? डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो ये हमारा हो गया काइरल कार्बन। ठीक, जो काइरल कार्बन होगा जिस कंपाउंड में, वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा चिल्ड्रन? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? कि ये जो हमारा कंपाउंड है, वो क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को ये तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। किसको मूव करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट होंगे, क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट होंगे। यस, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट होंगे चिल्ड्रन, वो क्या करेंगे? जो हमारी PPL है, प्लेन पोलराइज लाइट है, उसको क्या करेंगे? या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, किसमें? क्लॉकवाइज में, और या किसमें मूव करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज में। गॉट इट चिल्ड्रन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये तो रहा हमारा अभी सबस्ट्रेट, कि कैसा सबस्ट्रेट चाहिए हमें SN2 रिएक्शन के लिए। अब हमें सबस्ट्रेट पता चल गया कि जो हमारी SN2 रिएक्शन है, जो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके लिए हमारा सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव।
और उसमें क्या होना चाहिए, काइरल कार्बन। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सट्रेट है, इसका जो काइरल कार्बन है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करता है। यस, कैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और कैसे जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अब हमें क्या देखनी है, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ बायमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गॉट इट चिल्ड्रन? तो आगे बढ़ने से पहले, मैकेनिज्म देखने से पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चिल्ड्रन अब ये मैकेनिज्म देखते हैं SN2B की, कैसे न्यूक्लियोफाइल इस ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन पर अटैक कर रहा है। चिल्ड्रन ये देखो, ये आपका हेलोजन मॉलिक्यूल है, इसमें ये जो कार्बन है दैट इज टेट्राहेड्रल। अब इसमें टेट्राहेड्रल है तो इसकी फोर वैलेंसीज होंगी, एक ये हाइड्रोजन अटैच है, एक एल्किल ग्रुप है और ये दूसरा एल्किल ग्रुप है और ये आपका हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या शो करना है आपको, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाना है कि न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर रहा है इस काइरल कार्बन पे। ये कार्बन जो है दैट इज काइरल कार्बन, क्योंकि हमें ऑप्टिकली एक्टिव सब्सट्रेट लेना है तो काइरल कार्बन लेना होगा। अब ये जो कार्बन है दैट इज काइरल कार्बन, क्यों, क्योंकि इसमें सभी ग्रुप्स जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लगे हुए हैं वो क्या है, डिफरेंट है। ओके, अब इसमें जो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो दो साइड से हो सकता है। एक तो ये न्यूक्लियोफाइल इसी कार्बन पे सीधे अटैक करे, तो ये फ्रंट अटैक हो सकता है। कैसा अटैक हो सकता है, फ्रंट अटैक। ओके, और ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहां से जाकर के और तब कार्बन पे अटैक करे, दूसरा कौन सा अटैक हो सकता है, बैक अटैक। तो चिल्ड्रन अब हमें मेन जो पढ़ना है, मेन जो देखना है वो यही देखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसका कौन सा अटैक पॉसिबल होगा, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक करेगा या बैक अटैक करेगा। चिल्ड्रन अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा फ्रंट अटैक करने की कोशिश करता है तो न्यूक्लियोफाइल के पास हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर इस काइरल कार्बन के साथ जो हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है, जो हैलोजन लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल को पास में आने ही नहीं दे रहा है। कैसे नहीं आने दे रहा है, क्योंकि हमारा ये जो हैलोजन है ये भी निगेटिवली चार्ज है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी निगेटिवली चार्ज है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या है चिल्ड्रन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से ये जो फ्रंट अटैक है वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने की सामने से कोशिश करता है, फ्रंट अटैक करने की कोशिश करता है, वैसे ही क्या करता है, हैलोजन उसको दूर भगा देता है। ठीक, तो अब ये फ्रंट अटैक पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, संभव ही नहीं है। फिर क्या करता है, अब न्यूक्लियोफाइल चुपके से पीछे से आके अटैक करता है, बैक अटैक मारता है कार्बन पे। क्या करता है, बैक अटैक करता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है तो उस सिचुएशन में क्या कंडीशन होती है वो हमें देखना है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पे बैक अटैक करेगा वैसे ही क्या सिचुएशन होगी, ये आपका लिविंग ग्रुप लगा है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, यहां से बैक अटैक कर रहा है, ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दिस वन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और ये आपके एल्किल ग्रुप लगे। तो ये सिचुएशन हो जाती है और इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। ये जो चिल्ड्रन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में इंटरमीडिएट आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा। कैसा होगा, अनस्टेबल। और ये क्या है, इसमें जो कार्बन है दैट इज पेंटावेलेंट। यस, कार्बन पेंटावेलेंट है, क्यों, क्योंकि कार्बन फाइव बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। देखो जरा, 1 2 3 4 5 फाइव बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो पेंटावेलेंट है, और पेंटावेलेंट कार्बन तो स्टेबल होगा ही नहीं। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है दैट इज अनस्टेबल कंपाउंड। क्या है ये, अनस्टेबल कंपाउंड है। अब जब न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ बैक से अटैक किया तो यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप्स, जो हैलोजन जो भी लगे हुए थे, उन्होंने क्या किया, अपने को अरेंज किया। क्या किया, अपने को अरेंज किया, थोड़ी सी उनकी सिचुएशन जो ऐसे थी वो थोड़ा सा फैले, ठीक है, और फैल करके उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियोफाइल को पोजीशन दी, न्यूक्लियोफाइल को स्पेस दिया ऐड होने के लिए। तो जो इंटरमीडिएट पोजीशन है, जो इंटरमीडिएट कंडीशन है, उसमें एक साइड से लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है और दूसरे साइड से जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। गॉट इट? एक साइड से हमारा जो लीविंग ग्रुप एक्स है वो लीव कर रहा है
और दूसरी साइड से बैक साइड से क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो है उस पर अटैक कर रहा है, उससे बॉन्ड बना रहा है. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट. गॉट इट? उसके बाद क्या होगा, ये हमारा जो लीविंग ग्रुप होगा वो लीव करके चला जाएगा, छोड़ देगा इसको, कार्बन को उसकी हालात पे छोड़ देगा, और छोड़ करके क्या करेगा, भाग जाएगा. अब हमारा जो कार्बन है ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, उसकी सिचुएशन क्या होगी, उसके पास ये हाइड्रोजन होगा और ये दोनों उसके पास ये एल्किल ग्रुप होंगे. गॉट इट? तो इस तरह से ये हमारा क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट. अब हमें देखना इसमें ये है कि ये जो बन रहा है कंपाउंड, जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें कैसे थे, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे थे वो लेफ्ट हैंड साइड में थे. यस, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी और कैसे गए, राइट हैंड साइड में चले गए. जैसे बारिश में जब तेज हवा चलती है और छाता आपने खोल रखा है तो छाता क्या उड़ जाता है ना, बिल्कुल पलट जाता है उड़ के. सेम सिचुएशन हमारे प्रोडक्ट की हो गई है. तो इसका जो कॉन्फिगरेशन है वो क्या हो गया है, जस्ट अपोजिट हो गया है, और इसको कहते हैं इनवर्जन ऑफ कंपाउंड या कॉन्फिगरेशन. क्या कहते हैं, दैट इज इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. ठीक है, मींस इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की सिचुएशन थी, उन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की सिचुएशन क्या हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई. न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को अटैक हुआ, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, वैसे ही जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप थे उनकी पोजीशन जस्ट डिफरेंट हो गई. ओके, जस्ट अपोजिट हो गई. तो ये जो हमारा प्रोडक्ट मिला इसको बोलते हैं इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. ठीक है, अच्छा अब क्या है, जैसे हमारा ये जो रिएक्टेंट था, जो हमारा सब्सट्रेट था, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. यस, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सब्सट्रेट है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है चिल्ड्रन. तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये क्या करेगा, पीपीएल को रोटेट करेगा. ठीक, अब डिफरेंस क्या है, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्या करता है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये क्या करेगा, ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा. कैसे रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज. और अगर हमारा जो सब्सट्रेट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है तो जो प्रोडक्ट है वो कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम देखते हैं अटैक किसका, न्यूक्लियोफाइल का, इसमें बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में. ओके, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चिल्ड्रन, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है इस न्यूक्लियोफाइल का और कैसे आगे प्रोडक्ट्स फॉर्म. अब SN2 रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं. कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट थिंग इज SN2 इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. वॉट इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या है, जो हमारी SN2 रिएक्शन है उसमें ये आपका हेलो एल्केन है प्लस न्यूक्लियोफाइल. तो जब इसकी जो रिएक्शन होगी प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस वन इज द प्रोडक्ट प्लस लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा. तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड्स ऑन बोथ द मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. गॉट इट चिल्ड्रन? तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, SN2 रिएक्शन 2, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इट विल बी ऑल्सो 2. तो SN2 के केस में अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो दोनों 2 होती है. क्यों 2 होती है, क्योंकि इसमें दोनों मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों रेट डिटरमिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है. सिंगल स्टेप रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है चिल्ड्रन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है. हमने जब अटैक करवाया था तो यहाँ पे क्या बना था, इंटरमीडिएट बना था ना, तो ये जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल कंपाउंड तो है नहीं. ठीक है, इसमें क्या था, एक तरफ से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, एक तरफ से लीविंग ग्रुप छोड़ रहा था, तो जो इंटरमीडिएट है स्टेबल नहीं है. मींस डायरेक्टली आपका ये यहाँ पे अटैक होता है, कंपाउंड बनता है. तो ये जो SN2 रिएक्शन है वो पूरी आपकी एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, और इसलिए इसको ये होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन.
ओके नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें इसकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, स्टीयरिक हिंड्रेंस पे। रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टीयरिक हिंड्रेंस। अब कहोगे कि ये मैम नया सा एक नया शब्द, रोज एक नया शब्द आ जाता है ना केमिस्ट्री को पढ़ने का मतलब है, रोज एक अजीब सी अजनबी पड़ोसी आ जाता है। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, क्राउडिनेस। क्राउडिनेस अब बोलोगे अब ये कौन सा एक नया शब्द आ गया, क्राउडिनेस का मतलब है कि जितनी भीड़ होगी इस कार्बन के पास, ये जो हमारा कार्बन है इसको चारों तरफ से जितने हैवी ग्रुप्स घेरे रहेंगे उतना ही इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो डिफिकल्ट होगा। मींस रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंडरेंस। गॉट इट, रिएक्टिविटी जो है वो स्टीयरिक हिंडरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। मींस अगर हम बल्कि ग्रुप इंक्रीज करते जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। क्या होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी। तो इसमें अगर हम देखें जो हमारे प्राइमरी हैलो एल्केन्स होंगे, देखो प्राइमरी हैलो एल्केन्स में हमारा क्या आएगा, एक कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप हम लगाएंगे और दो इसके साथ हाइड्रोजन होंगे और एक HCl होगा। दिस वन इज प्राइमरी हैलो एल्केन्स। यस, सेकेंडरी अगर हम देखें तो इसके पास दो एल्किल ग्रुप होंगे, एक हाइड्रोजन होगा और एक आपका ये हाइड्रोजन ग्रुप होगा, ये आपका सेकेंडरी हैलो एल्केन है। टर्शरी अगर देखें तो टर्शरी में क्या होगा, तीनों एल्किल ग्रुप्स होंगे और ये आपका टर्शरी हैलो एल्केन होगा। अगर हम जीरो ग्रुप देखें तो जीरो ग्रुप में क्या होगा, तीनों हाइड्रोजन होंगे, मींस कोई भी आपका क्या होगा एल्किल ग्रुप नहीं होगा। लेकिन चिल्ड्रन ये जो कंपाउंड है ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव हो ना हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देगा ना, SN2 रिएक्शन तो आपकी फॉलो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो अगर इन तीनों को हम कंपेयर करें, कंपैरिजन करने पे हमें क्या पता चलता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किसमें है, बल्कि ग्रुप सबसे ज्यादा किसमें है, देखो टर्शरी में। टर्शरी में ये जो कार्बन है इसको तीन बड़े बड़े हैवी लोगों ने घेर रखा है। तो अब जब तीन भारी लोगों ने, उसके जो बॉडी गार्ड है वो तीन बड़े बड़े लोगों ने, हैवी लोगों ने घेर रखा है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो डिफिकल्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करना है चिपके से, तो उसका जो अटैक होगा दैट विल बी डिफिकल्ट। अब अगर हम टर्शरी और सेकेंडरी को कंपेयर करें तो टर्शरी और सेकेंडरी को कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि इसमें दो तो अभी वैसे ही है भारी भरकम, एक थोड़ा सा कम हो गया। तो जब एक थोड़ी सी कैपेसिटी इसमें कम हुई स्टीयरिक हिंड्रेंस की, तो क्या होगा, इसके कंपैरिजन में इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा सेकेंडरी में वो थोड़ा सा इजिली अटैक करेगा। अब अगर हम प्राइमरी में देखें तो प्राइमरी में क्या है भाई, दो बॉडीगार्ड इसके छोड़ के भाग गए जो बल्कि ग्रुप थे, अब इसके पास एक ही बल्कि ग्रुप है। यस, तो इसमें जो है वो इजिली अटैक होगा। तो रिएक्टिविटी जो सबसे ज्यादा होगी वो किसकी होगी, प्राइमरी हैलो एल्केन्स की। SN2 reactions के लिए children very important questions, आपका जो SN2 और SN1 reactions के लिए आपकी reactivity पूछी जाती है, compounds दे दिए गए और पूछा जाता है give the reactivity of following compounds in their increasing or decreasing order, कोई भी order दे दिया गया और पूछा गया for SN1 reaction और for SN2 reaction, ठीक है दोनों की condition अलग अलग है। हम लोग SN2 reactions पढ़ रहे हैं तो SN2 reactions में हम क्या देख रहे हैं, reactivity के लिए steric hindrance। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस के केस में अगर देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी। प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शरी, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी होगा, देन सेकेंडरी होगा, देन आपका टर्शरी होगा। और जीरो देखें तो जीरो जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। गॉट इट। अब अगर हम हेलो उसमें जो है हैलोजन्स के केस में देखें, हैलोजन्स के केस में रिएक्टिविटी का अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो क्या होगा चिल्ड्रन, हैलोजन्स के केस में हम क्या कंसीडर करते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्या कंसीडर करते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी हैलोजन के केस में हम कंसीडर करते हैं बॉन्ड लेंथ।
ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कंसीडर करते हैं। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। तो अगर हम एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल फ्लोराइड को कंसीडर करें, चारों को कंपेयर करें, तो क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, आरआई की। तो आरआई को ब्रेक करना क्या होगा, इजी होगा, इजीली ब्रेक होगा। जब इजीली ब्रेक होगा तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो इंक्रीजिंग सबसे ज्यादा इसकी होगी, देन आरबीआर की, देन आरसीएल की, देन आरएफ की। गॉट इट। तो इस तरह से इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, चाहे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो, कोई भी ऑर्डर रिएक्टिविटी का लिख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट SN2 रिएक्शन, दैट इज बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको SN2 रिएक्शन इजिली समझ में आएगा, और ऑर्गेनिक रिएक्शन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतना डरने की जरूरत नहीं, इतनी हैवी रिएक्शंस नहीं होती। 4-5 टाइप्स की रिएक्शंस अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बिल्कुल समझ में आ गई। ओके चिल्ड्रन, गॉट इट। तो अगर आपको कहीं भी SN2 रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें। थैंक यू चिल्ड्रन।